का सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 8 मोशन, इसका पार्ट 2 करेंगे। और इसके अंतर्गत आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो रहेंगे वेलोसिटी, वेग, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, एक्सेलरेशन, त्वरण और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब सबसे पहले हमारे पास है वेलोसिटी। अब ये डेफिनेशन बोलती है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब इससे पहले हमने स्पीड पढ़ी है, तो स्पीड में हमने क्या था कि दैट कोई भी ऑब्जेक्ट एक निश्चित समय अंतराल पे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो कितना डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी स्पीड हो जाएगी। लेकिन उसमें हम डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते। लेकिन अगर यहाँ डायरेक्शन कंसिडर कर दी गई देन इट बिकम एज अ वेलोसिटी। देन अब रेट ऑफ चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन आ गई। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और वेग इज इक्वल टू विस्थापन अपॉन समय। अगर आपको याद हो तो हमने जो पहले चाल का किया था, स्पीड का किया था, वहां हमने किया था डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहां पर क्या है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देन अब इसकी यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड। हमारी जो स्पीड है उसकी भी यूनिट हमारी सेम है, दैट इज अ मीटर पर सेकेंड। देन अगला वापस आ गया एवरेज वेलोसिटी। जैसे हमारे पास था एवरेज स्पीड, वैसे ही हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। ये क्या चीज है, इट इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगेन इसके जो यूनिट रहेंगे वो यही रहेंगे, मीटर पर सेकेंड। किसी वस्तु की एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी स्थिति में परिवर्तन की दर को औसत वेग कहते हैं। अब यहां पर याद रखना है कि जब हम स्थिति की बात कर रहे हैं तो स्थिति के साथ साथ हमें डायरेक्शन को भी ख्याल रखना है। अब औसत जो हम निकालेंगे वेग या एवरेज वेलोसिटी जो निकालेंगे वो निकलेगा आरंभिक वेग और अंतिम वेग डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर एक छोटी सी हमारी कंफ्यूजन क्या रहती है, हम औसत चाल कब निकालेंगे या कैसे निकालेंगे या औसत वेग हम कैसे निकालेंगे। सपोज करो कि आप लोग अपने घर से स्कूल की तरफ, आपकी जो डायरेक्शन वो एक जैसी ही है, आपकी जो स्पीड है स्टार्टिंग में आपकी स्पीड बहुत अच्छी है लेकिन बीच में जाके आपकी लास्ट की स्पीड थोड़ी चेंज हो गई है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वेलोसिटी का, दोनों वेग को हम लेंगे, इनको जोड़ के उसका एवरेज निकाल देंगे, तो वो बन जाएगा हमारे पास औसत वेग। लेकिन अगर हम औसत चाल की बात करते हैं तो वहां हम बात करेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये हमारे पास रहेगी एवरेज वेलोसिटी। अब जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। देन अब हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें कि अगर आप लोग, अगर आप बाइक चलाते हो, अगर आप साइकिल चलाते हो, अगर आप गाड़ी चलाते हो, तो स्टार्टिंग में आपकी जो गाड़ी की जो वेलोसिटी रहती है, आपकी जो स्पीड रहेगी वो बहुत कम होगी, लेकिन समय के साथ साथ वो इंक्रीज होती है, वो बढ़ जाती है। अगर आपको स्पेस खुला मिल जाता है तो अपनी वेलोसिटी को आप चेंज कर देते हो। अब बी रिमेम्बर यहाँ पे वेलोसिटी टर्म है, लेकिन अगर हम ये स्पीड कंसिडर करें तो समझना आसान हो जाएगा कि अगर आप अपनी स्पीड उस ग्राउंड में, उस रास्ते में तेज करते हो क्या रहा है कि आप समय के साथ साथ अपनी स्पीड को, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो।
तो वो कितना चेंज हुआ, दैट वी कॉल एक्सेलरेशन। अब इसको कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। त्वरण का फॉर्मूला अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग अपॉन लिया गया समय। तो इसका फॉर्मूला है वी माइनस यू। यहां पर v का मतलब है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t इज अ टाइम टेकन। अब एक चीज बहुत यहां पर ध्यान देने वाली बात है, u इनिशियल वेलोसिटी किसको हम बोलेंगे। इनिशियल वेलोसिटी आप उस वेलोसिटी को बोलेंगे जब से आपने, जिस समय आप उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हो, जिस समय आपने उसको ध्यान दिया। हम ये नहीं बोलेंगे जब आप चले, दैट इज द इनिशियल। ओके, हो सकता है जब आप चले आपने 10 मिनट के बाद देखा कि मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है, तो आपका इनिशियल जो वेलोसिटी होगी उस समय की होगी, और जितने टाइम के बाद आपने उसको चेक करना है, दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। तो ये आपके पास, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी जरूरी नहीं है वो जीरो होगी, इट मे बी ग्रेटर देन जीरो, कुछ भी हो सकती है, और टी इज अ टाइम टेकन जो हमारा टाइम का गैप रहेगा। अब इसका भी अगले स्लाइड में एक न्यूमेरिकल है, वो थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा। और इसकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। अभी आप ध्यान दें, पीछे हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी की जो यूनिट थी वो थी मीटर पर सेकेंड। तो कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे पास कोई ऐसी डेफिनेशन है जिसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सेलरेशन, और मीटर पर सेकेंड वो स्पीड भी हो सकता है और वेलोसिटी भी हो सकता है। अब ये इसी से रिलेटेड एक आपकी बुक का एक न्यूमेरिकल है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। अब जब वो स्टार्ट किया, इट मींस योर इनिशियल इज जीरो, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। टाइम कितना दिया है, 10 मिनट दिया है, और कितनी इसकी स्पीड उसने ऑक्यूपाई किया है, कितने उसने अटेन किए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम इसको निकालना चाहें तो इनिशियल हमारे पास हो गया जीरो, हमारे पास फाइनल कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास टाइम कितना हो गया 10 मिनट्स। अब एक चीज का ख्याल रखें कि हमारे पास यहां टाइम किलोमीटर पर आवर में है, और यहां पर हमारा जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, और यहां समय हमारे पास मिनट्स में। तो सबसे पहले हमारा जो मेन प्रेफरेंस रहेगा कि हमने यूनिट्स को कॉमन करना है, या तो हम ये जो स्पीड है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और इसी के साथ जो हमारे पास ये 10 मिनट्स है इसको भी हम सेकंड्स में चेंज कर देंगे। अगर आप यहां मिनट से क्वेश्चन करोगे, ऊपर किलोमीटर पर आवर है, तब आपका आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि हमारी यूनिट्स मैच होनी चाहिए। अगर यहां मिनट है तो ऊपर मिनट होना चाहिए, यहां आवर आवर है तो आप यहां भी आवर कर सकते हो, या दूसरी ऑप्शन रहेगी क्योंकि हमारी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो हम कोशिश करेंगे इसको भी मीटर पर सेकेंड चेंज में करने की, और 10 मिनट को भी सेकेंड में चेंज करने की। इसलिए हमारे पास कितना हो गया 600 सेकेंड, और अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका एक शॉर्टकट तरीका है, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, सिंपली मल्टीप्लाई इट विद 5/18। अब आपके लिए दिमाग में क्वेश्चन रहेगा कि 5/18 कहां से आ गया, क्योंकि अगर आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हो तो हमारे पास क्या आएगा 1000, अगर डिवाइडेड बाय आवर को आप कितना है, कितने सेकंड होंगे 3600 सेकंड। तो 1000 अपॉन 3600 को जब आप कटिंग करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.18। तो बार बार कटिंग से बेटर क्या रहेगा कि हम इसको 5.18 सीधा लिख दें, तो हमारे पास आ गया आंसर जो आएगा यहाँ पे 11.11 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर भी सेकेंड आ गया, यहाँ पर भी सेकेंड आ गया, और हमारी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू पॉइंट डी। वट इज अ वी, वी इज अ 11.11, वट इज अ यू, इट इज अ जीरो,
व्हाट इज द टी, इट इज अ 600. तो जब हम इसके वैल्यू को पुट करते हैं, सो दिस विल बी योर आंसर. नाउ बी रिमेम्बर, आपका आंसर किसमें होना चाहिए? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर में होना चाहिए. देन अब ये हमारे पास है कि हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ऑब्वियसली उससे क्या बनता है? एक्सेलेरेशन बनता है, जो हमने अभी किया. तो अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट वो इक्वल टाइम में इक्वल अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, देन इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. बी रिमेम्बर, एक्सेलेरेशन का मतलब ही यही है कि वो गाड़ी आपकी ऑलरेडी चल रही है. ओके, अब यहां देखिए थोड़ा सा ग्राफ ट्राई किया है. हमारा टाइम बराबर इंक्रीज हो रहा है, 5 सेकेंड, 10, 15, 25 सेकेंड्स का गैप है. अब यहां हमारी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो भी हमारी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, 3, 6, 9, 12, 15. इसका मतलब इक्वल इंटरवल पे अगर हमारे ये स्पीड इक्वल बढ़ती है, देन इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. अब चलिए इसके अगले देखते हैं. अब हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. अगेन बात यही रहे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग ही है, वो मोशन में ही है. अब यहां एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अ व्हीकल मूविंग ऑन अ बिजी रोड. अब बिजी रोड में कभी हमारी जो स्पीड है वो कम हो रही है, कभी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है. लेकिन ऐसे में जो हमारा त्वरण निकलेगा, जो एक्सेलेरेशन निकलेगा, दैट विल बी द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. अब देखिए कि टाइम इंटरवल हमारा सेम है, 0, 5, 10, 20, 5, 5 सेकंड्स का गैप है, लेकिन हमारी वेलोसिटी पहले 0 से 2 पे चली गई, फिर 2 से सीधा 6 पे चली गई, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड की जंप आ गई, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड की जंप आ गई, और यहाँ सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड का गैप है. इसका मतलब हमारी वेलोसिटी तो नो डाउट इंक्रीज कर रही है, लेकिन वो यूनिफॉर्म, वो एक समान इंक्रीज नहीं कर रही. तो इस प्रकार की एक्सेलेरेशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि दोनों हमने जो किया, चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है चाहे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, हमने वेलोसिटी को इंक्रीज करते हुए दिखाया. तो क्या वो वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो क्या वहां एक्सेलेरेशन ही है? एक्सेलेरेशन वहां पर भी है, लेकिन वहां पर जो एक्सेलेरेशन हो जाएगी, दैट विल बी रिटार्डेशन. रिटार्डेशन में क्या रहेगा? व्हेन द फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी, देन द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज रिटार्डेशन. अब ये कैसे हो सकता है? सिंपली कि जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वो अगर ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगाने पे उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी जब रुक गया, लेकिन उससे पहले तो स्पीड जा रहा थी, तो इसलिए वहां पर हम बोलेंगे कि एक्सेलेरेशन क्या बन गया? नेगेटिव होगी, माइनस होगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? वी माइनस यू. जब आपका वी का लेस है देन यू, ऑटोमेटिक आंसर हमारा नेगेटिव आएगा. अब यहां देखिए, अब यहां पे हमारी वेलोसिटी 20, 15, 10, 0, धीरे धीरे हमारे पास इसकी वेलोसिटी है वो कम हो रही है. अब जीरो का मतलब ये नहीं है कि अभी स्टार्ट ही होगी, स्टार्टिंग में 20 कैसे होगी. जीरो का मतलब ये है कि ऐसा टाइम जब हमने उसकी रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट की है, देन जीरो रिप्रेजेंट दैट. तो ये हमारे पास आ गया रिटार्डेशन. अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि हम ग्राफ के द्वारा कैसे दिखाएंगे. आपके सिलेबस में ग्राफ के द्वारा एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. आज इस वीडियो में सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बताएंगे कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और कौन सा ग्राफ क्या दर्शाता है. अब मान लीजिए ये आपके पास ग्राफ है, इसको ध्यान से देखो कि हमारा टाइम इंक्रीज कर रहा है 10, 20, 30, 40, 50, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? 20, 20, 20, 20, मतलब वो 20 मीटर पर ही है. शुरू में भी 20 मीटर पे था और लास्ट 50 सेकंड से वहां भी 20 मीटर है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा. अगर हम इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो अब ये देखिए, अब ग्राफ रिप्रेजेंट क्या है, 10, 20, 30, 40, ये टाइम आ गया, ये हमारे पास आ गई, इसका डिस्टेंस आ गया. अगर हम इन डॉट्स को मैच करें, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. तो जब भी हमारा डिस्टेंस टाइम का ग्राफ
हमारा एक्स एक्सिस के समानांतर है, पैरेलल है, तो ये शो करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। बी रिमेम्बर इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये आप जो मास में करते हैं वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहेंगे, ये ग्राफ पेपर पे बनता है। लेकिन कभी भी ये स्ट्रेट लाइन हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल कभी नहीं आ, इसके पैरेलल कभी नहीं आएगी, क्योंकि अगर डिस्टेंस बढ़ना है तो इट विल टेक एट लीस्ट फ्यू सेकेंड, कुछ तो सेकेंड लेगा वो बदलने के लिए, तो कभी भी वाई एक्सिस के समानांतर नहीं आता, ये हमेशा एक्स एक्सिस के समानांतर रहेगा। देन अब ये दूसरा देख लीजिए कि हमारे पास टाइम गैप बराबर है लेकिन हमारी डिस्टेंस भी इक्वल बढ़ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, अब ये देख लीजिए 10 पे 10 है, 20 पे 20 है, 30 पे 30 है, और वेन वी मेक अ लाइन इट विल गिव अ स्ट्रेट लाइन, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस, दोनों से दूर जा रहा है। तो इसका मतलब जब भी ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन आती है तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड। अब देखो ना, बराबर टाइम गैप में वो बराबर दूरी तय कर रहा है, अभी अभी 10 सेकंड के बाद वो 10 मीटर पे था, 20 सेकंड के बाद 20 मीटर पे हो गया, इसका मतलब वो कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है। देन अब एक और ग्राफ देख ली, अब मान लीजिए अब उसका टाइम तो बराबर है लेकिन उसके जो डिस्टेंस है कभी ज्यादा कवर कर रहा है कभी कम कर रहा है, तो इसको अगर हम ग्राफ से ड्रॉ करें तो ये देखो 0 पे 0, 10 पे हमारे पास कितना आ गया 5, 20 पे हमारे पास आ गया 14, ये हमारे पास आ गया 38, इस ढंग से, और जब इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं ये आपका ग्राफ बन गया, इट मीन्स ग्राफ इज अ कर्व्ड। तो ऐसे केस में जब भी कर्व्ड ग्राफ है तो इट मीन्स ये हमारी जो स्पीड है वो वेरिएबल है, वो बदल रही है। तो इस तरह से हमारे पास तीन ग्राफ आ गए। तो तीन ग्राफ क्या क्या है, स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, स्ट्रेट लाइन ऊपर को है कॉन्स्टेंट स्पीड है, और इरेगुलर ग्राफ है देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड। ये सिर्फ तीन ग्राफ आपको चेक करें। बी रिमेम्बर देखने से पहले ये बहुत आवश्यक है कि वो ग्राफ डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है तो ये रेस्ट पे होगा। ओके तो इसी के साथ आज हमने किया वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।